Good morning everyone, this is Suraj sir and today I am going to discuss a topic of class 12, formal and informal reply. Okay, so first of all हम लोगों को समझना है कि reply कहते किसको है. Reply का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना. ठीक है, तो आप सोच लोगे कि हम reply किसका करेंगे, किसका जवाब देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक, और इसी का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है श्याम, ठीक. अब राम ने एक इनविटेशन किसके पास लिखा, श्याम के पास लिखा कि फलाने तारीख को हमारे बड़े भैया का शादी है, ठीक है. अब जब इन्विटेशन श्याम के पास पहुंच गया तो अब श्याम के अंदर दो बातें आएंगी, श्याम के अंदर दो बातें आएंगी कि वो उसके इनविटेशन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो उसके इनविटेशन को क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे. तो यहां हम लोगों ने देखा कि ये रिप्लाई जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक एक्सेप्ट करते हुए और दूसरा रिफ्यूज करते हुए या डिक्लाइन करते हुए. ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सेप्ट करते हुए अभी बताएंगे और दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे उसके इनविटेशन को. इस तरीके का हम लोग एग्जांपल के साथ, फॉर्मेट के साथ अपने अभी जस्ट हम लोग देखते हैं. आइए, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे, यू आर राजू ऑब्लिक रानी लेन नंबर 5 कोर्रा हजारीबाग. ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए. यू आर राजू, आप राजू हैं आप, या फिर अगर लड़की है तो आप रानी हैं, और आपका जो एड्रेस है लेन नंबर 5 कोर्रा हजारीबाग. ठीक, यू रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अटेंड इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ द एल्डर सिस्टर ऑफ योर फ्रेंड ऑन 20th मई 2020 एट उपकार होटल. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक इनविटेशन मिलता है कि आपके दोस्त की बड़ी बहन के शादी समारोह में आपको क्या होना है, उपस्थित होना है, और वो शादी समारोह कब है, 20 मई 2020 को, और प्लेस कहां पे है, तो कार होटल में. रिस्पॉन्ड इट एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट, यानी रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए, प्रत्युत्तर दीजिए, किसका, इस इनविटेशन का, कि आप उसमें शामिल होने में क्या है, इनेबल है. इनेबल मतलब क्या हो गया, असक्षम. इनएबिलिटी मतलब असक्षम है आप वहां पे जाने में. यानी कि देखिए, रिप्लाई में अभी हम दो चीज बताए, एक्सेप्ट कर देंगे, एक रिफ्यूज कर देंगे. तो रिफ्यूज मतलब क्या हो गया, मना कर देना, है ना, इनकार कर देना. इनएबिलिटी मतलब ये क्या हो गया, असक्षम. ठीक, अब हम लोग फॉर्मेट के साथ सारे चीजों को देखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी हम स्टार्ट करेंगे वो सारा आप अपने कॉपी के मार्जिन से सटा के लिखेंगे, एंड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड से आप कोई भी चीज लिखेंगे, कोई भी चीज जरा सा भी राइट में नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट यही कहता है. तो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो लेफ्ट से लिखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता. तो भाई आप रिप्लाई कर रहे हो तो आपका पता यहां पे होना चाहिए, तो आपका पता अपने से ही लिख देना है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लेन नंबर 5 कोर्रा हजारीबाग. ठीक, हम यहां पे लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस में लेन नंबर 5 कोर्रा हजारीबाग. ठीक, उसके बाद ये देखिए सिंबल जो है इसका मतलब है एक लाइन छोड़ देना है आपको अपनी कॉपी में. ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, 4th मई 2020 दिया हुआ है, आप यहां पे पुट कर सकते हैं. ठीक, फिर एक लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है. उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं. यस, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जैसे डियर, यहाँ पे अपना फ्रेंड का नाम आप लिखते होंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, है ना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सैल्यूटेशन. ठीक, उसके बाद फिर एक लाइन को छोड़ेंगे और यहां से हम लोग बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि बॉडी में हम लोग लिखे क्या. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं. ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स में आपको 50 वर्ड्स में सारी चीज आपको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है. तो चलिए देखिए, सबसे पहला लाइन, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द ऑस्पीशियस
occasion of the marriage ceremony of your elder sister on 20th May 2020 at Rupar Hotel. आपको लग रहा होगा बहुत लंबा लाइन है, कुछ नहीं, ये सारा चीज क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि मुझे अपनी बड़ी बहन के शादी समारोह के शुभ अवसर पे इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और उनकी बहन का शादी कब है, 20 तारीख को है 2020 में, रुका जो कि हम क्वेश्चन से ही लिखे। अब नेक्स्ट लाइन लीजिए, अब आप वहां नहीं जा सक रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिग्रेट शो करना पड़ेगा। बट इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, बट इंडीड आई फील सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मतलब मुझे तुम्हें ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, दैट आई एम अनेबल टू शेयर दोस मोमेंट्स ऑफ जॉय विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ खुशी के उन पलों को, मोमेंट्स ऑफ जॉय मतलब क्या हो गया, खुशी के पल है ना, खुशी के उन पलों को मैं तुम्हारे साथ शेयर करने में बिताने में क्या हूं असमर्थ, ठीक। क्यों, अब रीजन देना पड़ेगा आपको, बिकॉज आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली फॉर माई यूपीएससी एग्जाम ऑन द सेम डे, क्यों, क्योंकि मुझे उसी दिन, इस दिन जिस दिन तुम्हारी बहन की शादी है उसी दिन मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा यूपीएससी का क्या है, एग्जाम। अब आप ही बताइए, कोई भी आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका करियर का सवाल है और वो आपका एग्जाम छुड़ा करके अपनी दीदी की शादी में भांगा करने के लिए नहीं बुला सकता है ना, तो ये चीज होंगे कम्प्लीट है ना। अब आगे देखिए, अब आप नहीं जा सक रहे हैं वहां, तो कम से कम एक मैनर होता है कि कम से कम उसकी बहन को क्या कर दीजिए, विश कर दीजिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे। आई विश अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टू योर सिस्टर इन एडवांस, क्योंकि अभी शादी तो हुई नहीं है ना, होने वाली है, तो आप एडवांस में उसकी बहन को क्या कर दिए, हैप्पी मैरिड लाइफ का शुभकामना भेज दिए। एक लाइन और ऐड कर दिया मैं, मे गॉड ब्लेस हर, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर बॉडी कंटेंट्स ये 50 वर्ड्स में आपको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। उसके बाद एक लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद आप थैंक्स लिखिए, फिर लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद लिखते हैं हम लोग योर्स लविंगली, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, योर्स लविंगली, लविंगली योर्स, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली आप लोग लिखते होंगे, इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। और उसके बाद नीचे में आप अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, लड़का है तो राजू, लड़की है तो रानी, ठीक है। और ये भी नाम अपने से नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर राजू, यू आर रानी, उसी नाम को आप यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। एंड ये था आपका इनफॉर्मल रिप्लाई, क्या करते हुए, डिक्लाइन करते हुए, रिफ्यूजल करते हुए, ये हो गया आपका कंप्लीट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अंकित पब्लिक अंकिता काके रोड रांची, ठीक, समझ गए होंगे आप कौन है अंकित, लड़की कौन है अंकिता, कहाँ रहने वाले हैं, काके रोड रांची। यू रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अटेंड इन बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड ऑन 10th मई 2020 एट हिज होम, है ना, यानी कि आपको एक इनविटेशन मिला है कि आपके दोस्त का क्या है, बर्थडे पार्टी है, तब 10 मई को कहाँ पे, उसी के घर में। रिस्पॉन्ड इट, इसका जवाब दीजिए, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ध्यान देंगे यहां पे एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करते हुए इसके इनविटेशन को क्या कर लेना है, स्वीकार कर लेना। तो देखिए फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा, सबसे पहले मार्जिन है और जो कुछ भी लिखेंगे हम मार्जिन से सटा सटा के लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या था, बोलिए सेंडर्स एड्रेस था, तो सेंडर्स एड्रेस यहां दिया हुआ है काके रोड रांची, आप यहां पे सेंडर्स एड्रेस काके रोड रांची लिख दिए। फिर आपको एक लाइन छोड़ना था, याद कीजिए, उसके बाद डेट लिखना था, मैंने डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ना था, छोड़ दिया, फिर मैंने क्या लिखा यहां पे, सैल्यूटेशन, डियर, अपने दोस्त का नाम, कोई भी दोस्त का नाम दे सकते हैं, है ना, डियर अमित मैंने दिया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम आता है कि हम इस रिप्लाई को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे बॉडी में, इसको ध्यान दें, वहां पे हम लोग लिखे थे थैंक्स, यहां पर भी सेम लाइन लिखेंगे थैंक्स, क्योंकि आप जाइए या ना जाइए आपको धन्यवाद करना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर बर्थडे, वही लाइन है पहले वाला लेटर में आप देखेंगे, है ना, सेम लाइन है, ऑन 10th मई एट योर होम, ठीक, वहां पे मैरिज सेरेमनी था, यहां बर्थडे हो गया। अब आपको वहां जाना है, एक्सेप्ट करना है, तो आपके अंदर खुशी होनी चाहिए, हाँ, आपके एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, हाँ? अब याद रखिए,
I am very excited to meet you. मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. Because for the last 2 years we have not met each other. क्योंकि हम लोग पिछले 2 सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं. I have already bought a surprise gift for you. देखिए, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक सरप्राइज गिफ्ट खरीद के रखा हूँ. अब वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो बताना नहीं है. उसको भी लगना चाहिए कि पता नहीं मेरा दोस्त मेरे लिए कौन सा गिफ्ट खरीद के रखा होगा, है ना. इसलिए हम उसको लिखते हैं कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट क्या क्या हूँ खरीद के रखा हूँ. आई विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस. मैं एडवांस में तुमको हैप्पी बर्थडे का विश करता हूँ. आई विल श्योरली अटेंड द फंक्शन. मैं निश्चित ही रूप से तुम्हारे फंक्शन में, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा. कंप्लीट. एक लाइन छोड़ना है, थैंक्स बोलना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और योर्स लविंगली लिखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और उसके नीचे अपना लाइन, अंकित या फिर अंकिता. तो ये था आपका इनफॉर्मल रिप्लाई, रिफ्यूज करते हुए, डिक्लाइन करते हुए या फिर उसको एक्सेप्ट करते हुए. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा. Till then, and goodbye. Happy rahe, surakshit rahe. Okay.